स्वागत है आप सभी का। फिर आज की इस वीडियो में हम एक फोल्डेबल बेड बनाने वाले हैं। इस बेड को मैंने इस तरीके से बनाया हूं ताकि इसे फोल्ड करके सोफा बनाया जा सकता है, और जब भी जरूरत पड़े इसे बेड बनाने के लिए तो हम इसे बेड आसानी से बना सकते हैं। और ये जो बेड है उस जगह के लिए बनाया हूँ जहाँ जगह का कमी हो। लेकिन फ्रेंड, इस बेड का जो वीडियो है, मैं इसका रिकॉर्डिंग जो है थोड़ा बहुत लेट से शुरू किया हूँ, क्योंकि शुरू में मेरा मन नहीं था कि इस तरह का वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज जो है अपने घर के पर्सनल यूज के लिए बनाता रहता हूँ। लेकिन ऐसे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं इस तरह का वीडियो भी बनाता रहूंगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फोल्डेबल बेड बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम फ्रेम तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ फ्रेम बनाने के लिए जो लोहे का एंगल आता है उस एंगल को मैंने काट करके फ्रेम तैयार कर लिया हूँ। मैंने शुरू में ही बताया हूँ कि ये जो वीडियो है मैंने थोड़ा बाद में रिकॉर्ड करना शुरू किया हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को आगे पता चल जाएगा कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ लगाया हूँ। तो मैं यहाँ फ्रेम जो है बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया हूँ, और तैयार करने के बाद इसे पेंट भी कर दिया हूँ ताकि जंग से बचा रहे। तो आप देख सकते हैं ये फ्रेम जो है बीच से कितना अच्छा से मुड़ रहा है। इस फ्रेम को मैंने दो पार्ट में बनाया हूँ, तो उस पार्ट में जो पार्ट वॉल के साइड रहेगा उसमें हम एक लोहे का शाफ्ट लगाकर कुछ इस तरीके से हम वायरिंग लगा देंगे ताकि अच्छा से स्लाइड कर सके। और सेम इसी तरह मैंने दूसरे साइड भी लगा दिया हूँ। आप चाहें तो तीन वायरिंग के जगह आप दो वायरिंग भी लगा सकते हैं। और साथ ही इस दोनों फ्रेम को जोड़ने के लिए बीच में हमने 5 इंची कब्जा का यूज किया हूँ, और इस कब्जे को दोनों साइड का जो एंगल है उसमें हम वेल्डिंग कर दिया हूँ, और टोटल इसके अंदर 4 कब्जा का यूज किया हूँ। और साथ ही फ्रेंड, जिस लोहे की मदद से ये फ्रेम तैयार किया हूँ उस लोहे का टुकड़ा काट कर लेना है छोटा सा, और इसे फ्रेम के साथ वेल्डिंग कर देना है। और वेल्डिंग उस साइड करना है जिस साइड व्हील लगा हो, यानी वॉल के अपोजिट साइड का जो फ्रेम है उसके साथ करना है। और ये जो है लोहे का जो छोटा टुकड़ा है मैंने दोनों साइड कर लिया हूँ, और इस दोनों टुकड़ों को मैंने इसलिए वेल्डिंग किया हूँ ताकि एक फ्रेम का जो टोटल वजन है उस कब्जे पर न पड़ के इस दोनों लोहे पर ही पड़े। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से फ्रेम को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया हूँ। अब इसके किनारे किनारे हम प्लाईवुड लगाएंगे, तो प्लाईवुड लगाने के लिए इस फ्रेम को हम पलट कर उल्टा कर लेंगे। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ प्लाईवुड को पहले से ही मेजर करके कट कर लिया हूँ। अब इस प्लाईवुड को छोटे नट बोल्ट की मदद से साइड में चारों तरफ से बराबर करके अच्छे से टाइट कर देंगे, और यही प्लाईवुड जो है इस बेड का पौधान के रूप में काम करेगा। तो मैंने यहाँ प्लाईवुड को बहुत ही अच्छा से नट बोल्ट की मदद से टाइट कर दिया हूँ, और इस प्लाईवुड को मैंने बाहर के साइड से लगाया हूँ। आप चाहें तो अंदर के साइड से भी लगा सकते हैं। और साथ ही इस प्लाईवुड के निचले वाले भाग पर मैंने छोटे छोटे प्लाईवुड को काट करके बहुत ही अच्छे से बेस बना लिया हूँ, और इसी बेस के ऊपर हम व्हील को सेट करेंगे। तो इसके अंदर हम कुछ इस प्रकार का व्हील का यूज करेंगे, और इस व्हील का जो लोड का कैपेसिटी है लगभग 300 केजी का है, और काफ़ी ये मजबूत व्हील है, तो हम इसी व्हील को इसके ऊपर सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों व्हील को बहुत ही अच्छे से प्लाईवुड में सेट कर लिया हूं। और सेट करने से पहले इस सारे प्लाईवुड को हमने काट करके थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लिया हूं ताकि जो व्हील है वो काफ़ी मजबूती से अच्छा से सेट हो जाए। तो इस तरीके से मैंने टोटल चारों व्हील को अच्छा से सेट कर लिया हूँ। अब इसे पलट कर जो है हम नीचे की तरफ कर देंगे, तो इस तरीके से जो प्लाईवुड लगाया हूँ ये पौधान के रूप में काम करेगा। और फ्रेंड, जो दूसरे साइड का फ्रेम है इस फ्रेम को हम वॉल में सेट करेंगे, और इसे परमानेंट सेट नहीं करेंगे क्योंकि इसे स्लाइडर के रूप में हमें काम करना है ताकि जब भी हम बेड को खींचे आराम से ये नीचे की तरफ आ जाए। तो इसे स्लाइडर बनाने के लिए हमें स्क्वायर के शेप में जो पाइप आता है उस पाइप की मदद से स्लाइडर बनाना है। तो इसे स्लाइडर बनाने के लिए लोहे का एक साइड का काट कर हटा देंगे,
और साथ ही मैंने यहाँ दो छोटे छोटे लोहे को भी वेल्ड कर दिया हूँ ताकि इसे वाल में अच्छा से सेट कर सके। और ये जो स्लाइडर है कुछ इस तरीके से बैरिंग में सेट होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस दोनों लोहे को वाल में सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों लोहे को अच्छे से वाल में सेट कर लिया हूँ। अब फ्रेंड इस बैरिंग को जो है इसके अंदर हमें लगाना है, तो चलिए हम आराम आराम से इसके अंदर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसे आराम से दीवार के साइड ले जाकर इसे थोड़ा बहुत नीचे से उठाकर हम इसके अंदर लगा देंगे और सेम इसी तरह दूसरे साइड भी लगा देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं इसे बहुत ही अच्छा से दोनों साइड का जो वायरिंग वाला पार्ट था उसे अच्छा से लगा दिया हूँ और बहुत ही अच्छा से ये काम कर रहा है और जो बेड है सेम इसी तरह ये काम करेगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा से ऊपर नीचे स्लाइड हो रहा है। अभी इसके अंदर ऑयल भी डालना है, ऑयल डाल देंगे तो ये काफ़ी अच्छा से और बहुत ही स्मूथ से ऊपर नीचे स्लाइड होगा। अब जो है फ्रेंड इसके ऊपर जो है हम बेड के लिए और या सोफा के लिए हम प्लाईवुड को कसेंगे। तो प्लाईवुड को कसने के लिए मैंने पहले से ही इसके मेजर करके प्लाईवुड को कट कर लिया हूँ और यहाँ जो प्लाईवुड है 12 mm प्लाईवुड का यूज कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने दोनों साइड का जो फ्रेम है उसके नाप करके कट कर लिया हूँ। अब दोनों को नट बोल्ट की मदद से अच्छे से सेट कर देंगे। प्लाईवुड लगाने के बाद इसके निचले वाले भाग को जब हम सोफा के रूप में इसे यूज करेंगे तो इसे इस लोहे के साथ या वॉल के साथ इसे लॉक करके रखेंगे ताकि जब भी हम इसे बैठे तो ये आगे की तरफ मूव ना हो। तो लॉक करने के लिए हम इस कुंडी का यूज करेंगे। तो इस कुंडी को हम यहाँ सेट कर लेंगे। तो कुंडी लगाने से पहले हम इसे काट कर छोटा कर देंगे ताकि लोहे पर लगाते समय कम से कम जगह ले। तो इसे इस तरीके से हम लगाएंगे और साथ ही कुछ इस तरह का भी कुंडी लगाएंगे और ये कुंडी जो हम यहाँ सेट करेंगे और ये जो ये फंसाने वाला है हमको यहाँ वेल्ड करना है। लेकिन ये पार्ट जो है छोटा है तो इसी शेप में हम लोहे को बड़े साइज में बना लिया हूँ। अभी इसके अंदर होल भी करना है और होल करने के बाद इसे हम यहाँ अच्छा से वेल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बने रहिए, आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं इस कुंडी को किस लिए यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने सभी को अच्छा से यहाँ वेल्ड कर दिया हूँ। अभी कुछ इस तरीके के लोहे को फ्रेम तैयार कर लिया हूँ और इस फ्रेम को जो है हम यहाँ सेट कर देंगे ताकि जो ये कुंडी लगाया हूँ इस कुंडी को इसके अंदर लगाकर अच्छा से लॉक कर सके। तो इस फ्रेम को मैंने स्क्रू की मदद से जो निचला वाला पार्ट था उसके में अच्छे से सेट कर दिया हूँ। अब जो है हम कुछ इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं लॉक करने के बाद ये आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। लेकिन फ्रेंड जब भी हम इस कुंडी से लॉक करके रखेंगे तो ये पिछले वाला भाग जो है एक दूसरे के बिल्कुल ही 90 डिग्री बन जाएगा जिसके कारण बैठने पर हमें अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो इसे थोड़ा सा स्लो बनाने के लिए हम इस कुंडी को खोलकर जो दूसरा फंसाने वाला कुंडी बनाया था उसे हम इसके अंदर लगाकर इसे लॉक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है थोड़ा सा ये स्लोप हो गया है, यानी थोड़ा सा ये ढाल हो गया है जिसके कारण अब हम इसके ऊपर बैठते हैं तो थोड़ा सा जो बैक साइड का जो यानी पीठ का जो साइड है थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होगा। अब फ्रेंड हम इसके निचले वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो इस पूरे पार्ट को कवर करने के लिए हम इस रेक्सिन का यूज करेंगे। आप चाहें तो इसके जगह आप सनमाइका का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे चिपकाने के लिए हम फेविकोल का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ फेविकोल जो बहुत ही अच्छा से ये चिपक जाता है। तो सबसे पहले जो पतला वाला प्लाईवुड है इसकी मदद से मैंने इसके ऊपर रख दिया हूँ। अब हम इसके ऊपर चारों तरफ से अच्छा से फेविकोल लगाएंगे। चारों तरफ फेविकोल लगाने के बाद रेक्सिन को चारों तरफ से बराबर करके हाथ की मदद से प्लाईवुड के साथ बहुत ही अच्छा से चिपका देंगे और सेम इसी तरह जो है जितने भी पार्ट है इस पार्ट को चिपका देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से रेक्सिन को बहुत ही अच्छा से लगा दिया हूँ। मैंने चारों तरफ से बहुत ही अच्छा से फिनिशिंग कर दिया हूँ। जो व्हील के पास एक्स्ट्रा रेक्सिन बच गया था उसे काट कर हटा दिया हूँ।
तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर वाले भाग पर किनारे किनारे चारों तरफ से मैंने पतला लकड़ी लगा दिया हूँ किल की मदद से। और फ्रेंड मैंने इसलिए ये किनारे किनारे लगाया हूँ ताकि इसके अंदर जो मैं गद्दा लगाऊंगा गद्दा जो है फिसल कर बाहर ना निकले। और इसे भी मैंने बहुत ही अच्छा से फिनिशिंग के साथ लगाया हूँ। अब जो है इसके ऊपर गद्दा को लगाएंगे, तो गद्दा को लगाने के लिए इस सोफे को हम बेड के रूप में बना लेंगे। तो बेड के रूप में बनाने के लिए जो ये फंसाने वाला कुंडी था उस कुंडी को हम दोनों साइड से खोलकर धीरे धीरे आराम से इसे बेड के रूप में बना लेंगे। तो हम जो है इसके अंदर कुछ इस तरीके का गद्दा लगाएंगे और इस गद्दे को भी मैंने मेजर करके ही बनवाया था। और ये गद्दा की जो मोटाई है लगभग 3 इंच है। अब इस गद्दे को इसके दोनों भाग पर हम अच्छा से लगा देंगे। तो आप देख सकते जो मैंने किनारे किनारे लकड़ी लगाया था ये जो लकड़ी है गद्दे को बाहर नहीं आने दे रहा है, गद्दा जो है इसके अंदर अच्छा से फंस जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने गद्दे को बहुत ही अच्छा से लगा दिया हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं दोनों गद्दे के बीच थोड़ा बहुत गैप बच रहे हैं और ये गैप इसलिए मैंने छोड़ा हूँ ताकि जैसे ही इस बेड को सोफा बनाने के लिए फोल्ड करेंगे तो ये आसानी से फोल्ड हो सके। अगर हम इसे गैप को नहीं छोड़ेंगे तो ये फोल्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इस गैप को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, जब भी हम इसे बेड बनाएंगे तो इस गैप को कवर करने के लिए जो दोनों पार्ट के लिए गद्दा तैयार किया हूँ उसी गद्दे में से जितना भाग गैप बच रहा है उतना भाग का गद्दा तैयार करा लिया हूँ। अब इसी गद्दे से हम कुछ इस तरीके से अच्छा से कवर कर देंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार जो है सोफा मैंने अच्छा से लगा दिया हूँ। अब जो है ये बेड बनकर तैयार हो गया है और देख सकते हैं ये जो बेड है बहुत ही मजबूत है। इसके ऊपर मैं चढ़कर हिला भी रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा अभी ये जो बेड है ये हिल नहीं रहा है और थोड़ा बहुत यहाँ नीचे की तरफ मुड़ रहा था यानी लच रहा था। तो इसके लिए मैंने नीचे से एक लोहे की मदद से सपोर्ट कर दिया हूँ और ये जो बेड है काफी मजबूत बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे बेड के रूप में यूज ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमें सोफा की जरूरत पड़ेगा बीच वाला जो पतला गद्दा था उसे हटाकर इसे कुछ इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और ये काफ़ी आसानी से ये फोल्ड हो जा रहा है। फोल्ड करने के बाद जो ये कुंडी था उसे हम कुंडी को लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये सोफा बनकर तैयार हो गया और हम इस तरीके से बैठकर इस सोफे का आनंद ले सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं इस बेड को सोफा बनाने में और सोफा को बेड बनाने में कितना आसान है। ये आसानी से फोल्ड होकर सोफा बन जा रहा है और आसानी से ये खुलकर बेड बन जा रहा है। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि इस बेड का जो मेकिंग वीडियो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।